मैं पिछले कुछ टाइम से अपने YouTube वीडियो के रिसर्च के लिए गूगल के बजाय चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। गूगल में जहां मेरे को एक वीडियो रिसर्च करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, वही चैट जीपीटी में कई बार 10-15 मिनट में भी काम निपट जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। What's up guys, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मंक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये चैट जीपीटी है क्या भला, ठीक है। तो जैसे इनके हिसाब में सुना ना हो, मगर चैट जीपीटी आज के टाइम का इंटरनेट सेंसेशन हो रखा है। मतलब हर कोई चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है। चैट जीपीटी बेसिकली एक AI पावर्ड चैट बॉट है, जहाँ एक तरफ ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस बैठ के टाइप करते हैं अपने चैट बॉक्स में, वही उसका जवाब जो है AI देती है। जो AI पावर्ड जो चैट बॉट है जिसका नाम है चैट GPT, वो उसका जवाब देती है बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में। और ये जैसे कि हम कहानियों में बचपन में सुनते थे कि भाई अलादीन के पास एक चिराग होता था जिसमें से जिन निकलता था, उस जिन को वो जो ऑर्डर देता था, जो करने के लिए कहता था वो कर देता था, ये चैट GPT उससे कम नहीं है। मतलब बेसिकली अगर आप इसको ऑर्डर दे दो ना कि ये कर दो, तो वो कर देगा अगर वो पॉसिबल होगा तो। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो, तो कैसे करते हो आप? पहले मेहनत करते थे ना, मतलब अपना कंप्यूटर ऑन करते थे, टाइटल सोचते थे, फिर पूरा का पूरा लिखते थे, बैठ के टाइप करते थे। आप चैट जीपीटी को बता दो कि मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दो, वो एक्चुअली में लिख के दे देगा। तो इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये आज की तारीख में इतना बड़ा इंटरनेट सेंसेशन हो रखा है। तो अब मैं आपको कंप्यूटर में लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं एक छोटी सी चीज कि अगर हम, मतलब हम यूट्यूबर्स जो के अपने कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए जो है रिसर्च वगैरह करते हैं, यही रिसर्च अगर हम गूगल में करने के बजाय चैट जीपीटी पर करेंगे तो कैसा रहेगा, मतलब कैसे कैसे होगा। तो अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके सामने एक वीडियो का जो रिसर्च है वो करके दिखाऊंगा और वो बिल्कुल ही बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आ जाओ और अपना ब्राउजर ओपन कर लो, और इस पे आप ओपन करो chat.openai.com। chat.openai.com खोलने के बाद आप एक फ्री OpenAI का अकाउंट खोल लो। अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे करते हैं, तो मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। एक बार जब आप अकाउंट खोल लोगे तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखोगे। इस तरह के इंटरफेस में मतलब की जो सबसे काम की चीज है वो ये चैट बॉक्स है जो बॉटम में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे उसका जवाब जो है चैट जीपीटी आपको देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ वीडियो एडिटर्स के बारे में, ठीक है। तो उसका रिसर्च जो है मैं चैट जीपीटी में करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका चैट बॉक्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में सबसे अच्छे वीडियो एडिटर्स जो कि फ्री है और एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है वो कौन कौन से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चैट में डाल देता हूं क्वेश्चन। तो मैंने टाइप कर दिया कि कैन यू नेम द बेस्ट फ्री वीडियो एडिटर्स फॉर एंड्रॉइड। पर जैसे मैंने टाइप किया, आप देखो ये आंसर लिखने लग गया। तो आपने देखा, हमने जैसे ही क्वेश्चन पूछा इसने हमें जवाब दे दिया, और जवाब में हमें 6 ऐप बताए हैं कि ये 6 ऐप्स हैं जो एंड्रॉइड में अवेलेबल है और अच्छे वीडियो एडिटर्स है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। अब उसने एक जवाब दिया है, इसके ऊपर हम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम इसे फर्दर प्रोब कर सकते हैं कि इसके बारे में और बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये जवाब सुनने के बाद कि अच्छा काइन मास्टर है, क्विक है, वगैरह वगैरह ये सब सारे हैं, अब मेरा अगला सवाल मन में ये आता है कि ठीक है इनके फ्री वर्जन हैं वो तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इनके फ्री वर्जन में फीचर लिमिटेशन क्या है। मतलब इसमें आप बता दो कि कौन से वाले ऐप के फ्री वर्जन में कौन सा फीचर लिमिटेशन है, ठीक है। तो हम उस पर टाइप करते हैं। तो अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट फीचर लिमिटेशंस डू ईच वन ऑफ देम हैव इन देयर फ्री वर्जन। तो आप देखो कि उसने उसका भी जवाब दे दिया। तो आपको यहां पे मैं एक चीज आपका मतलब अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा ना, मैंने ऐप के बारे में पूछा भी नहीं, मैंने उसको कहा कि व्हाट फीचर लिमिटेशंस डू दीज हैव इन देयर फ्री वर्जन, मतलब कि उसको मेरा पिछला सवाल याद है। तो इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, मतलब हमने पिछला सवाल क्या किया था उसके बेसिस पे वो संदर्भ समझ के अपना अगला जवाब दे रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे दे दिया कि काइन मास्टर जो है उसके फ्री वर्जन में वाटरमार्क होता है, ये एक्सेस टू सम फीचर सम एबिलिटी, ये मल्टीपल लेयर्स आर लिमिटेड, ठीक है। क्विक का फिर उसी तरह से बता दिया कि ये है वाटरमार्क है, ये वो 60 सेकंड्स का लिमिट है, व्हाटएवर। हाँ, फिर ये मैजिस्टो के अपने लिमिटेशंस बता दिए, सारे लिमिटेशंस एक एक करके दे दिया। अब अगर आपको यही चीज गूगल में करना होता तो हो सकता है आपको अलग अलग पेजेस में जाके किसी पेज में किसी ब्लॉग में हो सकता है एक छोटा पैराग्राफ मिल जाता, दूसरे पेज में जाना पड़ता दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, तो ऐसे आपको सारा रिसर्च खुद करना पड़ता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खुद रिसर्च करके आपको दे देता है, आपको नटशेल में एक एंड रिजल्ट मिल जाता जिसको पढ़ के आपको मतलब पूरी पूरी चीज एक जगह मिल जाती है, ठीक है। अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इनमें से कितने ऐप्स ऐसे हैं जिनका iOS वर्जन भी है, तो वो भी सवाल हम पूछ लेते हैं। तो मैंने सवाल पूछ लिया कि विच आउट ऑफ दीज हैव एन iOS वर्जन एज वेल।
तो इसने बता दिया कि भाई ये जो सारे ऐप्स हैं इनमें iOS का वर्जन मिल जाता है, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और फीचर लिमिटेशंस वगैरह भी जो सिमिलर है। तो अगला सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये सारे ऐप्स में क्रोमा की वाला फीचर होता है कि नहीं, वो एक बार जस्ट मतलब गुड टू नो है, ठीक है, तो वो भी एक बार पूछ लेते। तो मैंने पूछा, डू ऑल ऑफ देम हैव क्रोमा की फीचर? तो उसने जवाब में लिखा, नॉट ऑल द वीडियो एडिटिंग एप्स आई लिस्टेड अबव, जो ऊपर लिस्ट किया था उनमें क्रोमा की सब में नहीं है। क्रोमा की एक ऐसा फीचर होता है जिससे हम ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। ये सारा ज्ञान दे दिया और फिर उसके बाद बता दिया कि भाई ये जो सारे हैं, हियर आर अ फ्यू वीडियो एडिटिंग एप्स आई लिस्टेड अर्लियर जिसमें क्रोमा की है, इन तीनों में है। तो आप देख सकते हो कि चार पांच क्वेश्चंस करके आपको लगभग इस स्पेस के बारे में काफी कुछ मिल गया। अब आप इसके बेसिस पे जो है आप अपना अगला वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए कुछ चार पांच क्वेश्चंस इकट्ठा किए थे, बट अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आप उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप मतलब फॉलो अप क्वेश्चंस के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हो, और करते करते जो है आप काफी कम समय में काफी सारी जानकारी जो है इकट्ठा कर लोगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो चैट जीपीटी है ये कोई यूट्यूब का टूल नहीं है, मतलब ये कोई यूट्यूबर्स के लिए टूल नहीं है, ये तो एक जनरल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें स्कूल के बच्चे अपने होमवर्क करने से लेके एक थर्मोडायनामिक्स का रिसर्चर जो है वो अपने रिसर्च करने से लेके यूट्यूबर से लेके ब्लॉगर से लेके सबको यूज कर सकता है, ठीक है। तो मेरा फोकस ये है कि ये जो चैट जीपीटी है इसकी मदद से यूट्यूबर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, जवाब एक वीडियो में देना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आने वाले टाइम में कई सारे फॉलोअप वीडियोस बनाने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी यूट्यूबर्स कैसे यूज कर सकते हैं और अपने काम को जो पहले वो काफी मेहनत करके करते थे वो आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे आप टैग्स कैसे निकाल सकते हो, आप वीडियोस के टाइटल कैसे डिसाइड कर सकते हो, ज्यादा वायरल टाइटल्स कैसे बना सकते हो, अपना स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो, रिसर्च जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया। तो इस तरह के मैं कई सारे वीडियोस लाने वाला हूं, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे। तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लेना ताकि वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।